अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म पे स्पाइस मॉडल डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गुनी बांधी हुई हैं, इसमें जायफल जावित्री लगाई गई है, जो ग्रीन नेट से कवर किया गया है उसमें भी जायफल जावित्री है, और जायफल जावित्री 5 मीटर बाय 5 मीटर पे प्लांटेशन करना है, और जैकफ्रूट जो यहाँ पर फनस अलग अलग वैरायटीज़ की यहाँ लगाई गई है उसे 30 फीट बाय 30 फीट पर लगाना है, और दो फनस के बीच में स्वेगा लगाई जाएगी ड्रमस्टिक। स्वेगा के ऊपर 6 महीने के बाद या साल भर में ब्लैक पेपर का क्रीपर लगाया जाएगा, फनस के अंदर 2 साल के बाद ब्लैक पेपर का क्रीपर लगाया जाएगा, काली मिरी। और बीच का डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर जवारी, बाजरा, मक्का, डेंचा, इस तरह की फसल लगा सकते हैं। वो मल्टीपर्पस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, मल्चिंग का काम करती है, जानवर को फॉडर उपलब्ध होता है, इंसान को खाने के लिए अनाज उपलब्ध होता है, और ज़मीन का नेचुरल जो क्वालिटी है वो मेंटेन होती है। तो एक ही प्लांटेशन में आप देख सकते हैं कि